लड़की डायनामाइट है, लड़की के चक्कर में डेली गली गली में फाइट है। थोड़ा हमें तो टाइम यार, लव नहीं है क्राइम यार, हर दिन मुझको बेटर लगे तू लड़की है या वाइन। अरे जनता को जवाब दो, कब पड़ोगी प्यार में, सारी दुनिया लगी हुई है हम भी एक कतार में। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एक बार कर ले। किसी को मेरी हसरत है, किसी की मैं हूँ दुर्बा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। कैसे नैनों से नैन मिलाऊं सजना, कैसे मैं ऐसे ना घबराऊं सजना, कैसे आए ना ऐसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। सन सन न न न सन सन न न न जारी 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 पवन, सन सन न न न सन सन न न न जारी 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 पवन। मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, सन सन न न न सन सन न न न जारी 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 पवन। ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं, ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन, ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन। जा जा जारी 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 पवन। आकाश है कोई प्रेम कवि, मैं उसकी लिखी कविता, मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में युग बीता। छू ना सके कोई मुझे, सके कोई मुझे, छूले तो हाय लग जाए अगन, छूले तो हाय लग जाए अगन। जा जा रे कभी ककन के
हर वक्त गुजर जाता है पर दर्द ठहर जाता है, सब भूल भी जाए कोई कुछ याद मगर आता है। जिस पेड़ को बेल ये लिपटे वो सूखे टूटे सिमटे, फूलों के बाग का वादा पर कांटे गले ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे ये प्रेम रोग है। कहीं आग लगे लग जावे, गिरे गिर जावे चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे मारे रब वारे आप बनारो सा। आओ जी आओ घूमरणी खेल पाने पधारो सा, घूमरणी खेल पाने आलम थारो गुरारा गुरारा गुरनाल, आस मारो जीवड़ो तुझे तो ऐसा लगा चाहत का जादू दिल में जगा, खुशबू हवाओं में घुल गई, धड़कन को आशिकी मिल गई, कभी अब मचल 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 गई। तेरे बिन लगता नहीं दिल, तेरे बिन जाना रे ओ जान जा रे ओ जान जा, रोगा टोका दिल को बहुत पर दिल ना माना रे ओ जान जा रे ओ जान जा। ये इश्क तेरा जब से मिला तब से शुरू है ये सिलसिला, खुशबू हवाओं में घुल गई, धड़कन को आशिकी मिल गई, तबीयत मचल 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 गई। ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे ऊ ला ला रे। ओ जाने जान जाने जिगर जाने तमन्ना जाने मन
जाना मैंने तुझे प्यार किया सारी दुनिया के आगे एक प्यार किया तुझे देखा बस तेरा हो गया तेरी मीठी मीठी बातों में खो गया मुझे रात को नींद न आए मुझे रात को नींद न आए कि तेरी पल पल याद सताए बता मैं क्या करूं मुझे रात को नींद न आए कि तेरी पल पल याद सताए बता मैं क्या करूं जाए 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 जाए
एक बार जो चाहे जवान फिर ना आए, साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द
कैद सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिया चले जा चले मैनू तले, धुआं चले धुआं चले। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक तगदी मियाडुं तंगनी लावे। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक तगदी मियाडुं तंगनी लावे। चले जा चले नैनु तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू। यहाँ मैं बांसुरी करने के लिए नहीं आया है, अगर बांसुरी मेरा भी सुनना है तो कई पूरे प्लेटफॉर्म में आ जाइए, मैं बांसुरी में भी बहुत बढ़िया करता हूँ। आप लोग का डांस देख के बहुत अच्छा लगा, और ये जो है आप लोग को हम फेसबुक पे देखते हैं, सैनिक अरुणाचल सैनिक में हमारा आजम पाचो मेरा बीबी आपका एकदम बड़ा फैन है, बहुत डांस देखता है, तो मैंने बीबी को भी लेके आया है, तो बहुत सभी लोग को अच्छा अच्छा डांस किया है, जरूर एक वर्ड लगेगा। आप लोग जितना भी ऑर्गेनाइजर लोग है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको एक समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि सैनिक मैम और डैड कैसा होता है, सैनिक मैम और डैड बनना चाहिए, बच्चों के लिए हम एग्जाम्पल बनना चाहिए, बच्चों के लिए हम एक प्रेरणा बनना चाहिए, इंस्पिरेशन बनना चाहिए, अच्छा बाप बनने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। मैं तो हमेशा अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ, हालांकि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत मिला है, आज भी उतार चढ़ाव है, फिर भी हमेशा सोचता हूँ कि मैं मेरा बेटा के लिए बच्चों के लिए मैं अच्छा बाप बनने बच्चा के लिए हीरो बनूंगा, इसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि मेरा बीवी और मेरा माँ के लिए मैं सुपर हीरो बनूंगा, इसलिए मैं चौथा से पॉलिटिकल के खिलाफ हमेशा रहा हूँ। आप ये जो सैनिक मैम और डैड जो है वो पॉलीगेमी का खिलाफ एक आवाज बनना चाहिए, पॉलीगेमी को आप लड़ने का एक ताकत बनना चाहिए, एक हथियार बनना चाहिए, ये मेरा मानना है, इसलिए आया था। एक दूसरे को जबरदस्ती जवाब लड़का में जैसे जैसे शादी करके बैठ जाता है, थोड़ा लाइफ सेट हो जाता है, थोड़ा गाड़ी आ जाता है, स्कॉर्पियो बन जाता है, स्कॉर्पियो लेता है, वो आईफोन एंट्री बनाता है, और इतना मतलब अपना लाइफ को कितना संघर्ष करके आया, कितने करके आया है वो दिखता नहीं, बीवी को इतना सजा तकलीफ देता है, बुलाता है, बीवी का चेहरा में पेंटिंग करता है, वो नहीं करना चाहिए, अच्छा पति पति बनने के लिए, अच्छा सैनिक डैड बनने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं डॉक्टर जेगो ओरे है, मैं ENT सर्जन हूँ ट्रिम्स में, और मैं आज यहाँ पे जज के रूप में आया है अरुणाचल शाइनिंग मॉम एंड डैड जो डांसिंग प्रोग्राम है, आज डांसिंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और आज ऐसा बताया गया कि ये जो फर्स्ट एडिशन है, और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि आज
अब मैं यहाँ जज के रूप में आया है। और इस तरह का जो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर पहली बार हो रहा है तो हमें इस तरह का प्रोग्राम को इनकरेज करना चाहिए। और जितना भी अभी मैंने यहाँ जज के रूप में देखा गया है कि मॉम एंड डैड जो परफॉर्मेंस दिया गया है, वेल कोरियोग्राफ, वेल प्रिपेयर्ड, और उन्होंने अपना जो एग्जीक्यूशन वगैरह है वो अपना जो फुल स्पिरिट से डांस किया गया है, और मैं बहुत खुश हूँ उनका जो एंथुसियाज्म्स को देखकर, क्योंकि हमने देखा गया है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं लोगों को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ कि लोगों का प्रॉब्लम्स को मैं क्लोजली पढ़ता हूँ। तो जहाँ तक हम देखा गया है कि आज हमारा जो माम एंड दाद जो अपना रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, अपना घर में जो अपने बच्चों को या फिर अपना जो काम है उसको छोड़कर यहाँ एक अपने आप को एक टाइम दिया और अपने आप को एक मंच पे अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको उसमें दिखाया है अपना परफॉर्मेंस, उसके लिए मैं बहुत खुश है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जब शादी हो जाते हैं तो हम खो जाते हैं, अपना जो हॉबीज़ है उनको भी छोड़ देते हैं, और जो जो अपना डांसिंग एबिलिटीज़ है या फिर अपना उसको मंच नहीं मिलता है। तो इसलिए जो आज का जो प्लेटफॉर्म जो है, जिन्होंने हमारा मैडम लोग जो ऑर्गेनाइज किया है, हमारा ऑर्गेनाइजर टीम है, उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया है। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह का जो मंच है और इस तरह का प्रोग्राम को हम अरुणाचल के लोग इनकरेज करना चाहिए। और मैं पब्लिक को, हमारा आपका जो व्यूअर्स है, सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे आए और इन सब टीम को सपोर्ट करें। आज ये फर्स्ट टाइम हो रही है लेकिन कल को ये जाके सेकेंड एडिशन होंगे, थर्ड एडिशन होंगे, इस तरह से जो एवरी एनुअल इवेंट जैसे होंगे। और आज 100+ पार्टिसिपेशन हुआ है तो कल को फिर जाके ये आगे और भी ज़्यादा होंगे। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इन्हें मदद करे और हमारे जो माम दाद को एक जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसको आगे बढ़ाए। आज एक्चुअली ये सेमीफाइनल राउंड है, तो आज जो 17 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 7 जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी 10 जो रह जाएंगे फाइनल राउंड में, ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। तो इसलिए आज जो भी जिसको सेलेक्ट हुआ है उनको मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहते हैं। आप लोग जितना भी अपना जो बेस्ट दिया गया है, और हम जब जज करते हैं तो हम हमारा जो 3 कंपोनेंट को हमें जज करने के लिए कहा गया है, जैसे आपका जैसे कि आपका एक्सप्रेशन हो गया, कस्ट्यूम्स हो गया, आपका कोरियोग्राफी में जो एग्जीक्यूशन, आपका डांसिंग एबिलिटीज वगैरह को देखने के लिए कहा गया है। तो हम जितना जज का तरफ से जितना भी हो सके हम जज किया गया है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने यहाँ आके अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, वो सबसे बड़ा बात है। तो इसलिए जितना भी सेलेक्ट हुआ है उन सबको कंग्रेचुलेशन, और जो एलिमिनेट हो गया उनको भी आप मायूस नहीं होना है, नेक्स्ट सीजन्स में भी आप फिर से और ज़ोर से तैयार करके आ जाना है। हाँ जी जी, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं हेल्थ को बहुत महत्व रखता हूँ। और ये जो हमारा जो जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग का लाइफ में अपना हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपना जो हॉबीज़, जिसको जिस काम को आप करके सबसे खुशी मिलते हैं उसको करना चाहिए। बहुत लोगों का डांसिंग एक हॉबीज़ हो सकता है, और ये एक डांसिंग में क्या होता है कि एक मेडिकल में आप कहें तो मेडिकल में ऐसा है कि डांसिंग में आपका जो है बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, और ये एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस भी है कि आपको मेंटल पीस मिलेंगे। और प्लस इसमें हम लोग फील गुड हार्मोन मतलब जो हम जो खुशी हो जाते हैं कि हमारा बदन में एक केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जो है हमारा बदन में रिलैक्सेशंस लाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह को कम करते हैं, आपका जो स्ट्रेस फैक्टर्स जितना है उसको कम करते हैं। तो ये सब मेडिकल एडवांटेजेस भी है, इसलिए हम लोग डांस तो करते रहना है, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं है, अपना हेल्थ के लिए भी हम रेगुलर अपना घर में आप डांस करते रहना है। और ये डांस करने से क्या होता है कि घर में एक माहौल एक पैदा हो जाता है कि एक खुशी का एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, आप बच्चों के लिए भी एक रिलैक्सेशन हो सकते हैं। और ये जो इस तरह के मंच पे आके आप सिर्फ अपने आप को पैदा नहीं दे रहे हैं कि अपने बच्चों को भी एक इंस्पिरेशंस दे रहे हैं, और बाकी मॉम्स एंड डैड जो अभी घर में बैठे हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर द सोशल बट फॉर द हेल्थ ऑल्सो। हाँ जी, ये ड्रग एक मैनिक बन चुका है ये हमारा यूथ के लिए। जैसे हम जब अभी बाहर में आके देखते हैं
रात को आप देखेंगे तो आप रात को घूमेंगे तो बहुत देखेंगे कि ड्रग एडिक्स, और हमारा हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग आते हैं जो मॉम एंड डैड है, आप बच्चों को लेकर एक प्रस्टरित मूड में आते हैं कि हमारा बच्चा जो है ड्रग से आगे निकल नहीं पा रहा है, इस तरह का बहुत सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये मंच पे आपका जो मीडियम से हम अपना जो यूथ्स को अपील करना चाहते हैं, ये ड्रग ये चीज़ें हैं ये आपको कुछ समय के लिए ही आपको इफोरिक आपको फील गुड फैक्टर्स दे सकते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन कल को जाके ये अपना हेल्थ को हानिकारक होंगे और अपना जो लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपना जो एम्बिशंस है आपको आपका जो पेरेंट्स का जो होप एंड एस्पिरेशंस को आप ये ड्रग को लेकर खो जाएंगे। इसलिए आप ड्रग अपना जो कंपनी जो है जो ड्रग लेते हैं उनको एकम्पनी नहीं करना है, दोस्त को जो सेलेक्ट करना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोस्त ड्रग लेते हैं उनको दोस्त नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जो प्रोग्राम में आप मैनेजिंग में भी आप टीम में आ सकते हैं, या फिर ये जितना भी सोशल कोज में आप अपने आप को बिजी रखिए, या फिर खेल कूद में इवनिंग को आप जो ऑफ टाइम होता है तो खेल कूद में आप बिजी रखिए, या फिर रिलीजियस एक्टिविटी में आप अपना अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप उसमें भी आप सोशल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं या रिलीजियस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो एक्स्ट्रा टाइम को आप पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव कोज में बिताना है, ना कि आप एक्स्ट्रा टाइम को आप वेकेशन में या फिर कोई दूसरा टाइम में दोस्त के साथ घूमेगा, रात को पार्टी करेंगे और उसमें ड्रग करेंगे, तो इस तरह से कभी नहीं करना है। और ये कभी भी टेस्टिंग नहीं करना है ड्रग को, एक बार मेरा दोस्त लेते हैं हम भी एक बार फर्स्ट टाइम के लिए जस्ट टेस्ट करेगा, वो कभी बिल्कुल नहीं होना है। एक बार आप टेस्ट करेंगे तो बाद में जाकर ये एडिक्ट बन सकते हैं, एक बार एडिक्ट हो जाएंगे फिर उसे वापस आना बहुत तकलीफ होता है। ना इसमें कोई ट्रोल्स अब जो सोशल मीडिया में रहेंगे, मैं भी सोशल मीडिया में रहते हैं, तो सोशल मीडिया में आप रहेंगे तो ट्रोलर्स तो रहते ही है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कोई ट्रोलर्स तो रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो माम दाद का जो परफॉर्मेंस है उसको कभी ट्रोलिंग नहीं करना है, क्योंकि ये एक उनका अपना एक आप सोच के देखिए, आप सर्टेन स्टेज में जाकर अपना जो बच्चों को बड़ा करने के बाद वो आके यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें अगर 19-20 हो जाते हैं तो आप उनको ट्रोल कभी नहीं करना है, ये ट्रोल करने से उनको डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट टाइम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं जितना भी ट्रोलर्स है सोशल मीडिया में आप सभी को अपील करता हूँ कि आप कुछ भी अगर इसमें दिखाई दिए तो आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए, और जितना हो सके आप उनको एनकरेज कीजिए, जो मॉम एंड डैड जो डांस कर रहे हैं उनको एनकरेज कीजिए। सबसे पहले यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेम्बर्स है मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ आके मुझे लगा कि टैलेंट बहुत ही मॉम एंड डैड में है, अरुणाचल का मॉम एंड डैड में टैलेंट भरपूर भरा हुआ है, और हम लोग का अरुणाचल स्टूडेंट और युवा जो है कि टैलेंट तो जरूर होते ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग का माम दास का साथ में भी टैलेंट देखने को आज यहाँ आके मिला, और यहाँ आके देख के ऐसा लगा कि सब लोग का पास टैलेंट है, आज जितने भी यहाँ परफॉर्म किया सबका पास टैलेंट है, और जीत हार तो होता है और जीत एक को ही होगा, विनर तो एक ही होगा, लेकिन मैं जो देखा यहाँ पे और जजेस को भी बहुत ही मतलब तकलीफ उतारना पड़ सकता है मार्क देने में, मैं जो यहाँ आके देखा सबके पास टैलेंट भरपूर है और एक से बढ़कर एक है, तो मैं भी कॉन्फ्यूज हूँ जजेस किसे विनर घोषित करेगा, और मैं सभी परफॉर्मर्स से जो यहाँ परफॉर्म किया है उसे मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट जो भी हो निराश मत होइए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी विनर है इसलिए सेमीफाइनल तक पहुँचा है, तो मेरा हिसाब से तो सभी विनर है। डांस तो मेरा लिए ना बचपन से ही बहुत करने मन था, हम बचपन से ही डांस को बहुत पसंद था, पर मेरा ये रिश्तेदार मेरा भाई भाई या लोग ना हमको पढ़ाई 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 करो करो बोल के, लेकिन हम डांस को बहुत पसंद था, हम एक बार करना चाहता था ऐसे स्टेज पर ना, लेकिन हम छोटा मोटा कुछ कुछ ये क्रिसमस डांस होते कुछ भी ना यकुम सकुम होते उसमें तो हम करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में हमको बहुत करने मन था। जब शादी हो गया, शादी होने के बाद ये सुपर डांसर अरुणाचल सुपर डांसर देखा है, तो हम सोचता था कि काश हम लोग का जो जो शादी हुआ है ना उसके लिए भी डांस होने से थी करके ना एक बार तरह का ये करने से थी करके,
तो लास्ट में दिखे तो ये अर्नो से साइनिंग मोमेंट है निकला ना, तो उसमें हम जो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा ऐसे हो गया लास्ट में। मेरा हस्बैंड आपको सपोर्ट किया है पूरा फर्स्ट से लेके अभी तक, आज तक मेरा हस्बैंड ही हमको सपोर्ट किया है, ना मेरा फैमिली ना कोई रिलेटिव कोई सपोर्ट, सिर्फ हस्बैंड के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं किया, मेरा हस्बैंड ही हमको सपोर्ट किया, इसलिए हम अभी ये टॉप 10 तक पहुँच गया। तो मेरा हस्बैंड के ही वजह से हम पहुँचे, क्योंकि हम ये नहीं है कि हम कुछ ट्रॉफी सॉफी लेने हैं कि ना, ऐसे तो मेरा कुछ भी नहीं है, बस मेरा वही है कि हम इतना बड़ा स्टेज पे हम डांस करने मिले, वही है मेरा। थैंक यू। सबसे पहले अरुणाचल साइनिंग मोमेंट डेट का कमिटी लोगों ना, हम यहाँ विनर ट्रॉफी के लिए नहीं आए, मेरा अपना बेस्ट देने के लिए आए। ये अरुणाचल साइनिंग मोम का एक्चुअली हम ऑनलाइन लास्ट डेट में हम 10 तारीख को ही हम ऑनलाइन ऑडिशन दिए। सबसे पहले मेरा बहन ना हमको सपोर्ट किया, उसका बाद मेरा मिस्टर, स्पेशल मेरा मिस्टर तो बहुत सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू मेरा परिवार लोगों को और भाई बहन लोगों को भी। मेन मेरा सपना था आगे से, हम जवान समय से थोड़ा डांस किया था, इतना खास नहीं, उस जमाना में तो इतना डांस का कुछ वैल्यू नहीं था। तब हम क्लास 10 में ही शादी होकर हम 5 बेटा का माँ बन गया, तो ये 23 ईयर्स का बाद हमको ना आज मौका मिला है, तो चलो हम अपना बेस्ट देगा सोचकर हम आए। विनर तो बात का बात है ना, हमसे भी अच्छा अच्छा करने वाला बहुत है, तो हम तो चाहता है कि मेरा अपना बेस्ट दो, वो बेस्ट देगा बोल के ना, ये तो मेरा यादगार भी होगा, चाहे कल को हम मर भी जाता है तो आजकल सोशल मीडिया में हमको तना मुनी मानो बोलकर पहचाना जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को बोलता कमिटी लोग हम थैंक्स बोलता है कि मेरा अंदर का जो टैलेंट है इस मंच पर हमको मौका दिया है, तो आप लोग को ही सबसे पहले थैंक्स, थैंक यू। सबसे पहले आप लोग को थैंक यू कॉमेडी मेम्बर। डांस तो मेरा हॉबीज है बचपन से, क्या हम बहुत छोटा से डांस करके आ रहा था, तो अभी इस बार जब ऑडिशन का टाइम आया था हमको पता भी नहीं था, तो सब जो जानता है हम बचपन से डांस कर रहे हैं, तो मेरा एक भाभी है और मेरा चाची, वो लोग पूरा फुल सपोर्ट है। मेरा भी 10 तारीख का सबसे लास्ट ऑडिशन मेरा था, और जब 11 तारीख को ऑडिशन हुआ था तब भी मेरा सबसे लास्ट था, मतलब दापो से आया है नाम आए सिर्फ ऑडिशन दिया, कब फिर सिलेक्ट हो गया, अभी हम निकल गया था बीच में, फिर अभी वर्ल्ड कप में थी, तो आज तो बहुत अच्छा हो गया, टैलेंट दिखाना है कि हम भी एक अच्छा मो डांसर है ना। थैंक यू सो मच, सबसे पहले अरुणाचल साइनिंग मोमेंट चेयरमैन सभी टीम को थैंक यू सो मच जो हमको यहाँ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्यों आया है बोलने से, क्योंकि पहले से ही मेरा एक वो था कि हमेशा सोचता था कि ऐसा एक शो मोमीज लोग के लिए भी एक होने से अच्छा है बोल के, क्योंकि हमेशा देखता था क्या क्या शो होता था, तो बचपन से ही शौक था हमको भी डांस करने का। तो सचमुच अफ्टर मेरिट की बात में हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म तो कभी मिला नहीं है, कभी अपना टैलेंट को दिखा सकता है बोल के ऐसा कभी मिला नहीं है। तो जब ये इस बार निकला है और नेशनल साइनिंग मोमेंट डेट जो शो निकला है, तो जब उसको सुना तो बहुत खुश हुआ, एक ऐसा हम लोग मम्मी लोग के लिए भी एक निकाल दिया है बोल के। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि जितना भी मोमिस लोग है यहाँ, जितना भी अभी आया है, जितना भी अभी मतलब आया ऑडिशन से लेके अभी तक जो हम लोग टॉप 10 अभी हम लोग पहुँच गया, सभी टैलेंटेड था, सभी एक से बढ़कर एक, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग को यहाँ तक आने का टॉप 10 तक मौका मिला है, उतना में ही खुद को हम अपना मतलब विनर ही सोचता है, जितना मोमिस लगे सब विनर है, सब अपना बेस्ट है। तो वही हम चाहते हैं कि अगर हम लोग कल को आगे भी अगर ना जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को अपना टैलेंट को दिखाने के लिए, उससे बहुत ही सेटिस्फाइड है। और आने वाला सीजन में हम चाहता है कि और भी बहुत सारा मोमिस लोग है जो अभी तक अपना ऐसा शो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का वजह से सब बैठा हुआ है। अभी जब ये अभी अरुणाचल साइनिंग मोम इस बार निकला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला सीजन में भी इससे बेटर होगा, और जितना और भी बहुत सारा टैलेंट मोमिस लोग भी यहाँ में अपना बेस्ट दिखाएगा, टैलेंट दिखाएगा जैसा हम लोग को मौका मिला है। तो मेरा मकसद वही है कि एक बार ऐसा मंच में हमको परफॉर्म करके देखना है, तो वही है मेरा यहाँ मकसद आने का। और सबसे पहले तो मैंने जब ऑडिशन देने से पहले अपना फैमिली से मैंने पूछा, हस्बैंड से पूछा, मेरा मैं दो बेटी की माँ हूँ तो बेटी दोनों से पूछा, सब फैमिली से पूछा, तो इतना सपोर्टिव, मामा आपका तो यही है, तो घर में किचन में बैठो डांस करता है, क्लास जाता है डांस करता है, तो आप अब ये इतना अच्छा मौका मिला तो आपको करके देखना चाहिए। तो वो लेके बेटी और मेरा हस्बैंड फैमिली को
सपोर्ट को लेके हम यहाँ तक आया है अपना सपना को पूरा करने के लिए। तो इसलिए थैंक यू सो मच साइनिंग अरुणाचल साइनिंग मोमेंट डे को, जो हम लोग को ऐसा मोमेंट को एक मौका मिला है। थैंक यू। तो ये शो पे सबसे पहले तो कमिटी मेंबर्स को थैंक यू। ये शो में हम इसे पार्टिसिपेट लिया है क्योंकि रिदम रन इन माय वैन, मैं म्यूजिक सुनते ही डांस झूमने लगती हूँ और मेरा जो म्यूजिक सुनते ही मेरा ऐसा ये खो जाता है कि सब मेरा जितना भी हम कभी कभी परफॉर्मेंस किया है टीनेज एज में, तो सब लोग बोलते हैं कि कभी आप परफॉर्मेंस करो, कंपटीशन में जाओ, आप जरूर विनर बनेगा। मेरा रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स सब ऐसा बोलता था, पर हम जो एक इतना करेज नहीं था कि जाके नहीं दिखने से होगा क्या, ऐसे टाइप का मेरा एक डाउट रह गया था और इतना सपोर्ट भी नहीं मिला था, इसलिए हम जो वो एज जाते जाते हम मॉम बन गया, मैरिज के बाद मॉम बन गया। तो अभी हम होपलेस था कि कभी हम दोबारा ऐसा परफॉर्मेंस हम स्टेज में या कंपटीशन में कभी हम पार्टिसिपेट करने मिलेगा, ये तो होपलेस था मेरा लिए। तो लकीली अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड, जो मैंने फेसबुक पे इसका एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गया, अरे ऐसा अभी आया है मॉम के लिए फर्स्ट टाइम, वो भी अरुणाचल में, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं खुश होकर मैं सबसे फर्स्ट मिस्टर से पूछा, तो वो तो चुपी था जो मतलब क्या ना बोलेगा, फिर बाद में तो मतलब हाँ ना भी नहीं बोला, तो क्योंकि जानते हैं कि हम हर जगह झूमते रहते हैं, मतलब म्यूजिक हम सुबह उठते ही मेरा सबसे फर्स्ट है हम गाना सुन के डांस करते करते, क्योंकि सुबह सुबह अब डांस करते हैं अच्छा म्यूजिक के साथ अपना दिन शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन मस्ती में गुजर जाता है और मेरा ऐसा ही जाता है। तो बचपन से मेरा हम हिलते जुलते ही रहते हैं, तो माँ सब लोग बोलता था कि एक बार कंपटीशन करके देखो तो आप जरूर सक्सेस होगा, तो कर वो चीज़ करनी नहीं मिला, मतलब बाद में सोचते सोचते वो निखर गया। तो अभी मॉम बनने के बाद ये मौका मिला है तो बहुत ही खुश है और लकी फील करती हूँ, और सभी कमिटी मेंबर का भी थैंक यू ये चांस देने के लिए। और हम यहाँ पे प्राइस के बारे में तो हम लोग को पता ही नहीं है, शुरुआत में हम लोग पता ही नहीं, अभी तक ये पता नहीं है कि प्राइस क्या है, बस अपना टैलेंट मेरा जो हम कर सकते हैं और जो मेरा फैमिली मेरा रिलेटिव हमको हमेशा से विश्वास करते आए, जो उम्मीद लगा उसको हम हकीकत में बदलने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये बचपन से तो डांस का वैसे ही शौक था ना, तो ये साल गुजरते गया, शादी हो गया, डांस का मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म तो यहाँ हम लोग अरुणाचल में थोड़ा कमी है, मतलब कि TBCB में तो हम लोग क्या क्या मतलब सुपर मॉम ये सब चलते हैं, तो हम भी एक मतलब दिल से ऐसे सोच रहा था कि शायद हम लोग यहाँ भी कभी मतलब आने से ना हम लोग ट्राई करेगा क्या, ऐसे मतलब कि इमेजिन ऐसे सोच रहा था तभी मतलब कि मतलब दिन ऐसे साल ऐसे गुजरते गया कि बच्चा कब हो गया, मतलब बच्चा भी हो गया तो माँ बनने के बाद में कुछ ये फेसबुक में दिखाई दिया कि यहाँ का एडवर्टाइज वगैरह ना ये अरुणाचल सुपर मॉम एंड डैड का दिखा, तो अच्छा लगा कि क्यों ना हम भी ट्राई करके देखेगा, अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका, और अपना ये ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन से शुरू होता है ये जो, तो ऑनलाइन अपना ऑडिशन ऐसे देखे तो क्वालिफाई हुआ, तो अभी हमको यकीन नहीं हो रहा कि हम अब टॉप 10 में पहुँच गया, मतलब कि सोचा नहीं था कि यहाँ पहुँचेगा ना, पर स्पेशल थैंक्स हम देना चाहते हैं मेरा ये हम लोग का साइनिंग मॉम एंड डैड जो ऑर्गेनाइजर है, ये मैडम लोग को, जो हम लोग का जितना भी हमें सार लोग है जो इन्वॉल्व है, क्यों बोलने से कुछ पल का मतलब अभी जीतो हारो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कुछ पल जो अपना जो टैलेंट है और जो खुशी मिलता है जो स्टेज में डांस करके वो हम लोग को करने का मौका मिला, और फैमिली को भी हम लोग का थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे इतने सपोर्ट किए ना। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड कमेटी को। हम लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे कि मेरा जितना कम उम्र वाला, क्योंकि हम लोग इतना उम्र भी तो नहीं हुआ, तो शादी होने कहीं ना कहीं टैलेंट पीछे रह जाते हैं, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म निकले अरुणाचल में कि जो शादीशुदा मॉम एंड डैड निकले तो वापस टैलेंट को अपना फोकस कर सके, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा जर्नी तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शुरू हुआ था, क्योंकि हम सोचे ही नहीं था कि यहाँ में हम आएगा हल्के और आके इतना आगे तक बढ़ जाएगा, फाइनलिस्ट भी बन जाएगा। उसके लिए थैंक यू गॉड और मेरा फैमिली मेम्बर, स्पेशली मेरा हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्टिव है मेरे लिए, बस इतना ही था। थैंक यू। सबसे पहले मैं अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड को मैं सबसे पहले धन्यवाद ना, जो हम लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म दे, मेरे एक्सपीरियंस मतलब
क्यों हम यहाँ आया है बोलने से, क्योंकि मैं भी एक जब क्लास 10 में था ना शायद, उसमें कौन सा ईयर था वो तो भूल गया, लेकिन उसमें जो अरुणाचल में फर्स्ट अरुणाचल बुगी बुगी डांस कंपटीशन शो हुआ था, तो उसका पार्टिसिपेट हम था। तो ऐसे होने के बाद, वो शो खत्म होने के बाद, हम लोग का डांस आगे नहीं गया अरुणाचल में। और सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ना, आजकल का दुनिया में मतलब समय में मीडिया का वजह से एक प्लेटफॉर्म आने से भी एक नाम रहता है ना। तो हम लोग का समय में एक ऐसे था कि किया है स्टेज परफॉर्मेंस किया है, पर हम लोग का नाम जो नहीं रहा ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और साइनिंग मोमेंट डेट को भी जो कमिटी है उसको भी हम धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरा साथ अर्ली मैरिज के कारण से मैं अपना जो डांस का मतलब वो सब हम नहीं कर पाया ना, तो ये प्लेटफॉर्म ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, हमको विश्वास नहीं। और शायद इतना मोम है जो हम उससे बहुत टैलेंटेड ना, जो डांस क्लास वगैरह भी बहुत मेंटेन करता, शायद हम तो फिटनेस भी नहीं है, लेकिन भी मैंने अपना बेस्ट दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए ना, हम विश्वास नहीं है मैं हम यहाँ तक यहाँ पहुँचा है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद मेरा अपना फैमिली मेम्बर्स और अपना हस्बैंड जो मैं हमको फर्स्ट राउंड से लेके अभी तक हमको सपोर्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले मेरे अपना हस्बैंड को मैं धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतना तक पहुँचने का साथ देने के लिए ना, थैंक यू। सबसे पहले नमस्ते, और मेरा नाम है तागरू यारंग कादर, और मैं सबसे पहले अरुणाचल साइनिंग मोमेंट का कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म करने का मौका मिला। और मेरा जर्नी ऐसा रहा कि हम जब क्लास 1 से लेके 8 तक मेरा डांस में बहुत अच्छा रहता था, स्कूल वीक वगैरह में हमेशा फर्स्ट, मेरा हाउस में हम फर्स्ट लाता था। तो उसके बाद जब 9-10 के बाद जब शादी हो गया 10 में, जब अर्ली जल्दी शादी करने का कारण बच्चा हो गया, तो हम लोग का समय में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था ना, जो अभी आजकल है अरुणाचल सुपर डांसर ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम लोग का बच्चा हो गया, हम लोग मम्मी बन जाने के, तो हाउस वाइफ हो गया, तो वहाँ देखने को मिला कि ऐसे ऐसे शो आ गया, तो हम लोग सोचते हैं अरे क्यों इतना जल्दी शादी किया ना, उसमें कहा हम एक शादी नहीं करनी पार्टिसिपेट कर रहा होना था। तो ऐसे ऐसे रहने का कारण फिर थोड़ा दिन के बाद हम लोग का ये एक सपना पूरा होने लग गया, जो अरुणाचल साइनिंग मोमेंट का एक शो आ गया ना, उसमें हम लोग ऑडिशन देके आज तक मैंने यहाँ तक मेरा जर्नी बहुत ठीक था, और मेरा पति का बहुत सपोर्ट रहा, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। नाम बीरी पाचो है, हम करा दादी से बिलोंग करता है, और हमारा जर्नी जो ऐसा है, तो हमारा जब स्टूडेंट समय में हमारा करा दादी को पालिन कहता था, पालिन, हाँ उसमें हम पालिन हायर सेकेंडरी में था, उस समय में हम थोड़ा उस समय स्टूडेंट में हम डांस वांस करता था, लेकिन उसमें हम लोग आजकल अभी करा दादी इसको मना जाता है, उस समय में हम लोग लोअर सेवेंथ था, उस समय लोअर सेवेंथ था, तो ऐसा करके बहुत साल गैपिंग हो गया डांस, और शादी उदी करके बच्चा भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया मेरा, और शादी उदी करके पढ़ाई वढ़ाई लिखाई छोड़ के हम इतना साल का बाद में बैठा है, तो अचानक मैं एक तो अरुणाचल साइनिंग मोम एंड डैड के एक तो मीडिया में और जो फेसबुक में और ये तो दिखाई दे, इसलिए मेरा बेटा लोग जीत के पापा अब तो ये मैं 31 में हैप्पी ये मैं कई फेस्टिवल में और 31 में और ये न्योकुम फेस्टिवल में कुछ बगरा बगरा में आप बहुत अच्छा डांस करते हैं पापा, चलिए आप साइनिंग मोम एंड डैड में आप डांसिंग करके दिखिए। तो मेरा बेटा लोग हमको पूछ किया, तो हम साइनिंग मोम एंड डैड को देख के हम उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट लिया और लेके, और मेरा मिसेस भी साथ दे रहा है और मेरा बेटा लोग भी साथ दिया, और बेटा लोग का कारण हम आज इस अरुणाचल साइनिंग मोम एंड डैड में हम या आ पहुंचा।